मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका टाउन पार्क में दूसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जनवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में अपने गांव के लेखक समेत कई अन्य लेखकों की पुस्तकों की जानकारी हासिल की। इस पुस्तक मेले में हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेले की थीम विद्युत प्रभाव से ज्ञान प्रभाव है। उनका मानना है कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक होती हैं। जिस भाषा की समझ हो उसी में किताब पढ़नी चाहिए। इस समय एक विभिन्न विभाग जितने भी हरियाणा के उन्होंने एक पुस्तक मेला ये लगाया है जिसका आज शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष भी पुस्तक मेला लगा था जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकों का एक संग्रह है। 100 प्रकाशक जो वहां पर उपस्थित या तो आज आ गए हैं या आने वाले हैं। ऐसे अच्छी पुस्तकों का संग्रह जिनको करना होता है उनके लिए बहुत एक अच्छा एक अवसर होता है। इसका उद्घाटन किया, इस अवसर पर मैं पंचकुला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। पुस्तक मेले का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया। बता दें ये पंचकुला के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज पहले से है। जिसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं चरखी दादरी, पलवल और 2 बचे हैं, आज तीसरा ही तो हो गया है। चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास करके सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुना में भी हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं, टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। अब ये इसका टोटल टेंडर नहीं होना है, ये एचएससी पे निशान बना है। ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा से योग के महत्व पर जोर देते आए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ऐलान किया कि व्यायामशालाओं में आयुष केंद्र खोले जाएंगे। जो हमारे व्यायामशालाएं हैं उन व्यायामशालाओं में हम आयुष केंद्र भी खोल रहे हैं और उसमें आयुर्वेद के माध्यम से एक आयुर्वेद डॉक्टर रहेगा, एक डाइटिशियन रहेगा, एक वहां पर छोटा मोटा जो आयुर्वेद की दवाइयां और आयुर्वेद का इलाज वो भी वहां होगा ताकि आयुर्वेद का जो लाभ है वो लोगों को आसानी से मिल जाए। इस प्रकार जैसा मैंने बताया कि चाहे आवश्यकता पड़ने पर किसी का इलाज उसके लिए व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सीएचसीज, पीएचसीज, डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स, नर्सिंग ये सब हम कर रहे हैं। जहां हमको आवश्यकता बाहर से पड़ती है तो वहां से बाहर से बुला करके लगाएंगे। हमारे यहाँ जब ये संख्या पर्याप्त हो जाएगी उसमें बाहर के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम हमने किए हैं ताकि हरियाणा का नागरिक फिट नागरिक बने, ये हमारी अपेक्षा है। इसके बाद पंचकुला में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी दीवार पर पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए स्लोगन लिखा। वहीं हरियाणा में 22 जनवरी को ब्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।